मेरा नाम दीपक कुमार है मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ मैं बिक्रमपुर बांधे गांव से बिलोंग करता हूँ सिक्सटी फोर्थ बी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आ, मेरा टेंथ रैंक आया है और डी का पोस्ट अलॉट किया गया है तो अभी तक जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ जो स्ट्रेटी रही है मेरी या जो एग्ज़ाम से मैंने समझा है वो सब चीज़ें मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहले प्रीलिम्स का स्ट्रैटी मैं आपसे शेयर करता हूँ प्रीलिम्स का तैयारी करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है जो मैं समझता हूँ वो आप चार पाँच साल का पेपर एनालाइज कीजिए उसमें आप वो सेक्शन को नोट डाउन कीजिए जिस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस को जिस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है लाइक मॉडर्न हिस्ट्री है और पॉलिटी वगैरह जो भी है तो आप एनालाइज़ कीजिएगा चार पाँच साल का क्वेश्चन खुद से आपको खुद ब खुद पता चलने लग जाए कि कौन सा सेक्शन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा चांसेज़ हैं कि क्वेश्चन वहाँ से फिर से आएंगे तो आप उन पार्ट उन पार्ट्स को अच्छे से कीजिए और पहले कीजिए उसके बाद फिर आप देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन है जो स्ट्रॉन्ग है और उस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एज मिलेगा तो उस एज का आप बेनिफिट उठाइए और उस पोर्सन में बट अच्छा मार्क करने का कोशिश कीजिए लाइक किसी स्टूडेंट का साइंस एंड टेक अच्छा है तो वहाँ पे तीस क्वेश्चंस रहते हैं उसमें अच्छा खासा वो मार्क कर देते हैं किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है किसी का ज्योग्राफी अच्छा है तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देखें कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो एग्जाम में कहाँ फिट बैठ रहा है और वो अपने स्ट्रेंथ का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम मार्क करने का कोशिश कीजिए तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी सेकेंड थिंग इज कि प्रस में आप बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन कुछ रेंडम क्वेश्चन पूछ दिए इधर उधर का पूछ दिया और उस, उन सब के पीछे नहीं पड़ना है उन सब में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है आ, उससे होगा क्या कि आपका मेंस का जो तैयारी है वो सब फिर आपका रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा और ये सब मैक्सिमम जो हमारी तैयारी होनी चाहिए कोशिश कीजिए ओके पंद्रह क्वेश्चन या दस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल ही अननोन रहेगा मेरे लिए और घुमा फिरा के मुझे कहीं एक सौ पाँच वगैरह के आसपास मार्क्स आ जाने चाहिए और मैं ऑफ के बाहर रहूँगा ऑफ के ऊपर रहूँगा मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा तो ऐसे में आप प्रीलिम्स काफ़ी इजीली क्वालिफ़ाई कर जाइएगा थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा मैं अपना स्ट्रैटी बता देता हूँ लाइक कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था तो मेरी यह रहती थी कि मैं साइंस और मैथ्स का जो पोर्शन था तो उसमें फोर्टी मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मेरी स्ट्रैटजी रहती थी कि ओके इसमें मैं थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट जितना मैक्सिमम हो सके और थर्टी फाइव प्लस मेरे को रखना है तो वहाँ पे मैं 35 फाइव मार्क कर देने 35 फाइव प्लस मार्क कर देने के बाद जो बाकी पोर्सन होते थे उससे मुझे 100 स्कोर पुराने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती थी फिर मॉडर्न हिस्ट्री से मेरा फिर मेरा फोकस रहता था क्योंकि मॉडर्न okay, हिस्ट्री से थोड़ा सा मुझे अच्छा मार्क कर देना है थोड़ा मैप वगैरह पे ध्यान देता था तो ऐसे आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ों को मार्क कर लीजिए कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है और बी पी से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रही है और उसको मैप करके आप आसानी से कट ऑफ पार कर सकते हैं तो ऐसे आपकी प्रिलिमस हो जाएगी उसके लिए कुछ सेलेक्टिव बुक वगैरह है या फिर आप जो मेन्स के लिए तैयारी जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पड़ेगा वो सब आपके काम में आती रहेगी तो वहाँ से हो जाएगा मेंस में भी जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो समथिंग लाइक डेट सेम है कि चार पांच साल का पेपर एनालाइज कीजिए सिलेबस देखिए देखिए कि क्या पूछ रहा है क्या चीज़ है जो वो बार बार फोकस कर रहा है क्या चीज़ें हैं जो बार बार पूछा जा रहा है और उन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि दिस इज द पोर्सन जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है जहाँ से बार बार पूछा जा रहा है और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ये कि हाँ अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे एज मिलेगा मैं बाकी से थोड़ा सा अच्छा लिखूँगा या मैं अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा बाकी मैं मेन्स का आपको थोड़ा सा और डिटेल्स स्ट्रेटजी बताता हूँ पेपर वाइज जैसे पेपर वन है तो पेपर वन में तीन सेक्शन है सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन वन में स्टैटिक कोर स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन रहते हैं आजकल थोड़ा बहुत मॉडर्न से कि यहाँ गांधी के थॉट कैसे आईड मतलब आज के दिन में अप्लीकेबल हैं या टैगोर के जो थाट्स थे एजुकेशन वगैरह पे तो ये सब इस इस सब सब तरह की चीज़ें हैं ये मोर ऑफ स्टैटिक टाइप की चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप आठ दस ज़्यादा नहीं आठ से दस क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन होता है कि ओके यही सब क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत चेंज करके तो उसको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से पहले ही पढ़ लीजिए क्योंकि ये मॉडर्न डे में कैसे है ये उस समय क्या इंपैक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इम्पैक्ट आ रहा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से आप पहले ही उसको पढ़ लीजिए और अच्छे से होलिस्टिकली तैयार कीजिए आठ से दस क्वेश्चन उसमें आपको ऑप्शन लेके मिलेंगे ऑप्शन लेके तीन क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाइएगा नो no डाउट जब तीन क्वेश्चन आप वहाँ से काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप स्टैटिक्स पे आइए स्टैटिक्स में चार क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करने रहते हैं और सेवेंटी टू मार्क्स के वो क्वेश्चन रहते हैं मुझे लगता है कि स्टैटिक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपको स्टार्ट करना ही है जिन लोगों का स्टार्ट मान लीजिए अगर किन्हीं का अच्छा नहीं है कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका स्टार्ट अच्छा नहीं होता है ऑप्शन नहीं है आपको स्टार्ट पूरा अच्छे से रगड़ के आना अच्छे से करके आना पड़ेगा तभी जाके आप अच्छे रैंक होल्ड कर पाओगे अदरवाइज अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर वहाँ पर तो आप स्टार्ट को बहुत अच्छे से कीजिए काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह में वहाँ पर कीजिए जैसे मैं एक टेस्ट सीरीज कभी कभी अटेंड किया करता था सार्थक संवाद सर्वे सर का था तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया करता और मैं मैथ्स का स्टूडेंट था तो मुझे स्टार्ट में कभी दिक्कत हुई नहीं तो डैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम बट जिन लोगों के लिए स्टार्ट प्रॉब्लम है या जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए मतलब मेरा ये एडवाइस है कि आप स्टार्ट सही कीजिए वो उसके बिना मैथ मार्क्स बहुत पीछे पड़ जाते हैं नाउ जी एस का सेक्शन uh, टू है सेक्शन uh, टू में आई आर का जो काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है और जो काफ़ी मोटा मोटा इशू है काफ़ी छोटा छोटा इशू और वो नीटीग्रिटी में नहीं जाती है बी पी एस सी तो काफ़ी जो ब्रॉड इशूज़ हैं उनको कवर कीजिए और जिसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट रहा है लाइक स्टैंड ऑफ हो गया चाइनीज़ बॉर्डर पे या रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह हो रही है तो ये सब या फिर नेशनल का भी जो कोई इशू है जो इंटरनेशनल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत और काफ़ी ब्रॉड उसका इम्पैक्ट है लाइक सी एन आर सी ये सब चीज़ें तो इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्वेश्चन प्रोडक्टेबल होते हैं क्योंकि देर इज चांसेज कि ये आ जाएगा और आप यहाँ पे भी पंद्रह सत्रह क्वेश्चन तैयार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दस से पंद्रह जिए दो क्वेश्चन सर्टेनली होगा जो आप ऑप्शन लेके आ जाएगा क्योंकि मैंने ये तैयार किया है और छह में से दो क्वेश्चन तो सर्टेनली रहेगा कि हाँ ये मैं तैयार किया था और ये आ गया बाकी क्वेश्चन हो सकता है आपको अगर अच्छा रहा अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा तो हो सकता है कि आप तीन का तीन मार दीजिएगा नहीं तो दो क्वेश्चन ढाई क्वेश्चन आप अच्छा खासा मार देते हैं तो इस तरह से अगर आप सेक्शन वन सेक्शन थ्री और सेक्शन टू का आप दो क्वेश्चन अच्छे से एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत नॉर्मल करके भी लिख देते हैं तो आप सर्टेनली पेपर वन में बहुत अच्छा मार्क कर दीजिएगा आप वन एट्टी के राउंड चले जाइएगा वन प्लस पास तो इससे आपका पेपर वन बहुत बढ़िया हो जाता है यहाँ से आपका पेपर वन कम्प्लीट हो जाता है एगेन वी इफ टू पेपर टू तो पेपर टू में फिर से तीन सेक्शन है सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन वन की हम बात करें तो इसमें पॉलिटी है पॉलिटी में दो चीज़ें हैं कुछ तो स्टैटिक्स टाइप की चीज़ें हैं जिसमें स्टैट्स हैं और कुछ डायनामिक टाइप की चीज़ें हैं जो बेसिकली जो डायनामिक्स है वो स्टैटिक्स को ही एक्सटेंड किया हुआ है लाइक कि गवर्नर का रोल ऑफ गवर्नर तो बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टैटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह हैं कि कैसे कैसे उनको रखा गया है किस पोस्ट के रखा गया है और फिर करंट इशू में क्या चल रहा है तो करंट में कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही है वो सब न्यूज़पेपर वगैरह से हम टच में रहते हैं एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहते हैं तो उससे हो जाती है आ, सेम लाइक कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन है फंडामेंटल राइट का इशूज है तो हर चीज़ को पॉलिटी में आप हर चीज़ों को स्टैटिक्स अच्छे से तैयार कीजिए और साथ में जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके उसको डायनामिक एंगल से जोड़ने का कोशिश कीजिए और ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें अपने को करनी है ब्रॉड ब्रॉड चीज़ें करनी पड़ती है जैसे प्रियम्बल है फंडामेंटल राइट है डी है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन है फेडरल स्ट्रक्चर है जो मोटा मोटा इशू है इन सब इशू को अच्छे से कर लेना है लक्ष्मीकांता सिंह की फेयर इनफ और डी डी तो काफ़ी डिप में दिया हुआ है तो हॉलिस्टिकली तैयार कीजिए कि जिस पर आप चार पेज पांच पेज रिलेवेंट बातें लिख सकते हैं और उसको करेंट से जितना ज़्यादा जोड़िएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा कम टू सेक्शन टू अगर हम सेक्शन टू में आते हैं पेपर टू के तो वहाँ पे सोशल इकॉनॉमी है वहाँ पे इकोनॉमी का बहुत कोर कंसेप्ट या बैंकिंग सिस्टम या ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा वो सोशल इकोनॉमी पूछेगा कि पॉवर्टी का क्या चल रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है या हमारा ग्रोथ क्यों इधर उधर हो गया है तो इस टाइप की चीज़ें ब्रॉड ब्रॉड यहाँ पे भी ची� चीज़ें होती है और सोशल जिसका काफ़ी सोशल वाइडर और इम्पैक्ट है जो सोसाइटी से जुड़ी हुई सो जो चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें पूछी जाती है तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये सब चीज़ें जब आप चार पाँच साल का पेपर एनालाइज़ कीजिएगा कि आखिर ये पूछ क्या आ रही है और सिलेबस से उसको मिलाइएगा कि हाँ सिलेबस में ये बातें लिखी हुई है और उससे ये चीज़ें पूछी जा रही है तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि ओके दिस इज अ थिंग्स दैट इज़ गोइंग टू आस्क यही चीज़ें हैं जो पूछी जा रही है चार पाँच साल में और अगर चार पाँच साल में पूछी जा रही है तो ऐसे प्रेडिक्ट करना कि नहीं नहीं इस बार अचानक से पेपर चाहिए ये कोई बात नहीं अगर चार पाँच साल से पूछी जा रही है तो देर सेवेंटी टू एटी परसेंट प्रोबेबिलिटी यहाँ फिर से वो आएगी तो आप उन चीज़ों को उस हिसाब से तैयार कीजिए और इकोनॉमिक जो जो सोशल इकोनॉमी है वो वाला पोर्सन अच्छे से तैयार कीजिए यहाँ पर बिहार से रिलेट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है तो आप बिहार का कुछ स्टैट वगैरह तैयार कर लीजिए कुछ एग्ज़ाम्पल वगैरह तैयार कर लीजिए नेशनल एग्ज़ाम्पल भी बहुत सारे काम आ जाएंगे और न्यूज़ अगर हम हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़ पेपर है वो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है बिहार का कुछ कम एग्ज़ाम्पल मिले बट नेशनल एग्जाम्पल और ओवरऑल नेशनल जो अपना ट्रेंड रहा है वो सब अच्छा खासा मिल जाता है बिहार के लिए आप बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है तो उसमें से कुछ डेटा वगैरह उठा लीजिए ये सब रखिए और इससे आपका सेक्शन टू कम्प्लीट हो जाएगा सेक्शन थ्री में हम आते हैं तो यहाँ पे साइंस एंड टेक है साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड और बहुत ब्रॉड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अभी करंट में काफ़ी मतलब पूरा मच, फैल रखा है और काफ़ी उसका इम्पैक्ट है उस टाइप के साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है लाइक स्पेस साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया पूछ दिया जाता है या डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो कि अभी लाइफ के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट को टच कर रहा है और अब हर जगह उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है और काफ़ी उसके एप्लीकेशन है तो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड जो साइंस और टेक्नोलॉजी टाइप की चीज़ें हैं उस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है और उस आप की चीज़ों को आप हॉलिस्टिकली तैयार कीजिए आई थिंक कि अगर आप यहाँ पे भी सात आठ टॉपिक तैयार करते हैं आठ नौ टॉपिक तो श्योरली आप उसमें से दो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ें नहीं रह जाएंगी और जो भी मेंस का आंसर होता है है उसमें मैंने एक चीज थिंक किया है कि इसमें थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूर, जरूरत होती है जो भी चीजें जैसे पॉवर्टी है तो इसका क्या रूट्स है क्यों है आप एडिटोरियल वगैरह पढ़िए अच्छे अच्छे से उन सब चीज़ों को देखिए थोड़ा स्टेट वगैरह भी देखिए कि हाँ पहले से कैसा ट्रेंड रहा क्योंकि एनसीआरटी वगैरह में जो भी चीज़ें दी हुई है एलेवन ट्वेल्थ के एन में तो सब चीज़ों को भी थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो देख लीजिए तो उससे आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा कि ओके हमारे समाज में है ये प्रॉब्लम तो क्यों है और जब एक आप ब्रॉड पिक्चर आपके पास हो जाएगा जब उसको आप चार पाँच पेज में लिखिएगा ब्रॉडली तो आपको खुद ब खुद लगा क्योंकि जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन था जो चीज़ें एग्जाम मुझे जानना चाह रहा था वो मैंने शायद रखा है और उससे आपका अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे मिलने लग जाएगा तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिलिम्स एंड मेन्स स्ट्रैटी अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम टेबल्स कैसे होने चाहिए तो मैं टाइम टेबल्स के बारे में बता देता हूँ देखिए ये बहुत ही पर्सनल टाइप की चीज़ें हैं कि आप कब कंफर्टेबल हैं आप मॉर्निंग में कुछ लोग मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं तो मॉर्निंग में कुछ लोग नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल होते हैं नाइट शिफ्ट में और थिंग कि मुझे लगता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना देते हुए आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं फोटी मिनट्स वन आवर अगर हर रोज़ आप थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी या योगा या प्राणायाम किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करे क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान कंपटीशन में काफ़ी स्ट्रेस होती है वो हर किसी को होती है और दैट्स रियल तो जो चीज़ थोड़ा आपके दिमाग को रिफ्रेशिंग करता है थोड़ा स्ट्रेस कम करता है तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा जुड़े रहिए मुझे लगता है कि उससे प्रिपरेशन में थोड़ा सा स्ट्रीम होता है आपको पढ़ने में फिर मन लगने लग जाएगा और आपको सिटिंग में दिक्कत नहीं होगी सात घंटे आठ घंटे आप आसानी से पढ़ पाइएगा टाइमिंग के बारे में मुझे यही लगता है कि अगर आप रेगुलर जब एग्ज़ाम Thank you. चार महीना पाँच महीना डिले है या तीन महीना डिले है तो उस समय अगर आप आठ घंटा नौ घंटा सात घंटा कम से कम सेवन आवर सेवन टू एट आवर्स अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये फेयर इनफ है मुझे नहीं लगता है कि हमेशा हर रोज पंद्रह घंटे और सोलह घंटे दैट्स नॉट नेसेसरी आठ घंटे दस घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं काम माइंड से पढ़ाई कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है उतने टाइमिंग में आप एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे हमेशा ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम के, के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है और जब सारे रिलेवेंट चीज़ आपको लगे क्योंकि okay, जो ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें थी वो मैं कवर कर चुका हूँ अच्छे से तब फिर जो कम रिलेवेंट चीज़ें हैं उस पर शिफ्ट कीजिए लेकिन हमेशा जो चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट है उसको पहले कवर कीजिए जो चीज़ें थोड़ी सी कम रिलेवेंट है उस पर स्टेप बाइज उसके बाद नीचे आइए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी बेहतर रहती है उसे कम समय में हम ज़्यादा अच्छा मार्क कर पाते हैं और यस yes, सी जो हम कंपटीशन में जब हम रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है या एकदम एक्स्ट्रा नहीं हमको यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जीना है मुझे लगता है कि आप नॉर्मल रहिए नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी वगैरह दोस्तों के साथ कुछ टाइम जा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है लेकिन हाँ आधे घंटे के लिए दोस्तों के साथ कहीं पर शाम वगैरह में घूमने निकल गए थोड़ा हाँ से बोले नॉर्मल एकदम नॉर्मल रहिए कुछ अगर आपका हॉबी है तो वो सब भी टाइम निकाल के परस्यू कीजिए लाइक बहुत का गिटार वगैरह होता है या कुछ स्पोर्ट्स वगैरह ये परस्यू कीजिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए बिना ना एक घंटा एक घंटा दो घंटा आप परस्यू कीजिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप खुश रहिएगा स्ट्रेस कम रहेगा और उससे आप अच्छा प्रोग्रेस कीजिएगा तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है किसी कंपटीशन जब तक नहीं होता है एक एक, एक बोला जाता है कि थिंग्स इज थिंग्स सिम्स वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल अनटिल इट इज़ डन तो ये सभी के लिए थोड़ा बहुत ट्रुथ है कि जब तक चीज़ें नहीं होती है हमेशा ही लगता है कि यार रियली बहुत कितना डिफ़िकल्ट है कितना डिफ़िकल्ट है लेकिन एक्चुअली उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है जब आपसे भी हो जाएगा या जब लोग कर लेते हैं लगता है कि हाँ ठीक है दिस इज़ द थिंग ऐसे हो जाता है कोई भी एग्जाम है बी टी बी पी एस सी बी टी यू पी एस सी मुझे लगता है कि ये कॉमन अगर आप कॉमन uh, अंडरस्टैंडिंग है आपके पास आप नॉर्मल लेवल की अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कुछ लोग बट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत वो उस टाइप की चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है मैं अभी तक जो भी मतलब मुझे लाइफ में सक्सेस मिली है या जहाँ तक मैं पहुँचाऊँ मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें ही थी मेरे लाइफ में जो मुझे अभी तक यहाँ तक लेके आई है द वन थिंग इज कि यस yes, uh, मैं लेबर कर लेता था सेवन आवर एट आवर अगर मुझे स्टडी करनी है तो दैट वॉज नॉट ए बिग डील फॉर मी मैं कभी भी अगर चाहूँ तो मैं सात घंटे आठ घंटे दस घंटे में पढ़ सकता हूँ तो मैं लेबर कर लेता था और द सेकेंड थिंग इज कि uh, एक डायरेक्शन होनी चाहिए ये मुझे लगा कि यस अगर ज़्यादा लोग कहीं पे अगर इधर उधर हो जा रहे हैं तो डायरेक्शन कभी लॉस हो गया है या कभी हम इिलिवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं या कम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह इधर उधर हो जाता है तो उसकी वजह से हम रास्ता भटक जाते हैं और उसकी वजह से दिक्कत होता है अगर दो दो तीन चीज़ें अगर हम रखते हैं कि यस एक पेशेंस है कि मैं कॉम्पिटिशन में हूँ और मुझे लेके ही जाना है और कॉन्फिडेंस है कि नहीं आई विल डू इट और फिर मैं लेबर कर रहा हूँ उस हिसाब से और फिर मेरा डायरेक्शन सही है एग्ज़ाम के प्रति मेरा एक अप्रोच सही है तो श्योरली यू विल डू इट एक और चीज़ मैं आपको पी सी एस बी पी एस सी या यू पी एस सी के बारे में बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट ए कैलकुलेशन मुझे लगता है कि जो बी पी एस सी का एग्जाम्स है या यू पी एस सी का एग्जाम्स है ये कैलकुलेशन है आपके दिमाग में एक फिट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे जी एस वन में कितना मार्क करना है जी एस टू में कितना मार्क करना है जी एस ऑप्शनल में कितना मार्क करना है हर चीज़ में एक आपके पास एक कैलकुलेशन होनी चाहिए आप एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए देखिए कि, कि किस पेपर में कितना मार्क किया जा रहा है मैं कितना फॉल शॉर्ट कर रहा हूँ मुझे कितना मार्क करना है एक कैलकुलेट कीजिए उस पर काम कीजिए टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए उसे उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और आप श्योरली लिस्ट में होइएगा अगर आप इतना काम कर पाते हैं और इसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है आपको बस एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग लगानी है सिंपल सा कैलकुलेशन करना है आप अपना अगर आप एक दो अटैम्प्ट दे रखे हैं तो आप पीछे पिछले साल का मार्कशीट एनालाइज़ कीजिए कि ठीक है मुझे यहाँ पर इतना मार्क्स मिला था इसमें मैं बीस नंबर या पंद्रह नंबर मुझे बढ़ाने की जरूरत है इसमें इतना मिला था तो मुझे यहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कीजिए सिलेबस देखिए और फिर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा द नेक्स्ट थिंग मुझे लगता है कि न्यूज़ पेपर इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर में भी जो हमारे एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि बस उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए अदरवाइज बंगाल में कौन पार्टी जीत रही है पंजाब में कौन है किसका मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा नहीं जो रिलेवेंट चीज़ें हैं कि हाँ पॉवर्टी पे क्या इशू चल रही है या स्टैंड ऑफ पे क्या इशू चल रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है जो भी हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस से और क्वेश्चन पेपर से रिलेवेंट चीज़ें हैं उस चीज़ को न्यूज़पेपर में ग्रैब कीजिए उसको ग्रैब कीजिए अच्छे से नोटिंग कीजिए नोट 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 बनाइए उसको बार बार स्टडी बार बार उसको रिविज़न कीजिए बार बार रिविजन कीजिए वो ख़ुद ब खुद फिर आंसर राइटिंग में आपके आने लग जाएगा और आपके आंसर का क्वालिटी नॉर्मल बाकी लोगों से थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी और दैट इज़ द थिंग जो आपको सिलेक्शन दिलवाती है तो कॉमन चीज़ों को लेके आप चलिए कॉमन बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको ही पढ़ना है उसको ज़्यादा पढ़ना है जो इधर उधर की जैसे सोसाइटी वगैरह की बुक्स है मुझे लगता है कि वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है यू में भी नहीं तो चीज़ों को न्यूज़पेपर से करने कवर करने का कोशिश कीजिए कम बुक पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए जो रिलेवेंट बुक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम्पल तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थॉर्ड अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है और वो बुक से वो न्यूज़पेपर वगैरह से मॉडर्न हिस्ट्री का हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तो जो कुछ बेसिक्स बुक हैं उसको बार बार पढ़िए अच्छे से पढ़िए और वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश कीजिए कि ओके आई अंडरस्टैंड इट डूज एंड डोंट डूज एंड डोंट में तो मैंने बताया दिया डूज में तो कि फिजिकल सी स्टडी काम माइंड से जितना कम से कम टेंशन लेके आप पढ़ाई कीजिएगा उतना ही बढ़िया आपकी पढ़ाई होगी उतना ही ज़्यादा आपका मेमोरी और उतना ही आप स्ट्रेटजिकली काम कर पाइएगा सी आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं ज़रूरी नहीं है वो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो हंड्रेड परसेंट इम्प्लीमेंट हो जाए यहाँ हमारा सिक्सटी परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट सेवेंटी परसेंट पे टॉपर बन रहे हैं सिलेक्शन हो रहा है तो हम क्यों सोचे कि नहीं मतलब मेरा स्ट्रैटी हंड्रेड परसेंट और वो हंड्रेड परसेंट कभी होगा भी नहीं वो होता नहीं है तो अगर हम जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं अगर उसमें हम मान लीजिए कि अस्सी भी सक्सेस हो गए पचहत्तर भी सक्सेस हो गए तो देर इज हाई चांसेज कि हम लिस्ट में पहुंच जाएंगे या हम क्वालिफाई करने लग जाएंगे डोंट uh, में मैं बताना चाहूँगा कि क्या नहीं करना है देखिए अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अननेसेसरी चीज़ें दिमाग में लाना अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं उससे बढ़िया है कि हम कहीं इंटरटेनमेंट कर लिए हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है स्ट्रेस निकल गया हमारा तो इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा बेहतर है अननेसेसरी बेवजह इधर पॉलिटिकल इधर उधर लगे हुए हैं तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं रहता है और उससे थोड़ा सा जहाँ तक हो सके थोड़ा सा बचना ही चाहिए ओके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में आपको बता दिया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके जो आपका जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए एग्जाम क्या पूछ रही है क्या हमसे जानना चाह रही है क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रही है क्या क्वालिटी वो हमें देखना चाह रही है क्या अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रही है ये सब चीज़ें हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है और लास्ट मीन्स आप बहुत पीछे नहीं आप 2015 से पकड़ लीजिए या पिछले जो तीन चार बी हुए जैसे सिक्सटी फोर्थ है सिक्सटी थर्ड है सिक्सटी सेकेंड रहा उससे पहले बस तीन चार साल पाँच साल का पेपर एनालाइज कीजिए क्योंकि बहुत पहले जाने से वो चीज़ें फिर अलग हो जाती है वैसे अब नहीं आ रहा है तो जो करंट ट्रेंड है वो करंट ट्रेंड को पकड़िए कि हाँ इस टाइप की क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं और करंट ट्रेंड में कैसे आ, आंसर्स लिखे जा रहे हैं जो टॉपर्स हैं वो कैसे आंसर लिख रहे हैं या जो कोचिंग वगैरह है जो जहाँ से रिजल्ट हो रहा है तो वो सब कैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं कैसे आंसर लिख रहे हैं ये सब चीज़ों को आप फाइंड

मेरा कहना है कि आप प्रिपरेशन कीजिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से और इंटरटेनमेंट कीजिए ये दोनों को इन्जॉय कीजिए चीज़ों को लेकिन टाइम वेस्ट नहीं वो टाइम वेस्ट से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है मुझे लगता है जब एटलीस्ट जब आप कॉम्पिटिशन फैलिए क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम होता है टाइम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो टाइम वेस्ट से बचिए सोशल मीडिया वगैरह से जितना कम इंट्रैक्शन हो सके उतना ही बेहतर रहेगा देख लीजिए बाकी लोग का अपना प्रेफरेंस है कोचिंग का जो इम्पोर्टेंस है उसमें मुझे लगता है कि जो न्यू बिगनर हैं जो बिगनर हैं जिन जो, जिनको कुछ भी मतलब आइडियाज नहीं है फील्ड का उनको कुछ भी पता नहीं है कि पॉलिटी सिस्टम क्या है रोल ऑफ गवर्नर क्या है या फेडरल स्ट्रक्चर क्या है या इमरजेंसी उनको ज्यादा आइडिया नहीं है चीजों का ऐसे हिस्ट्री में भी उनको कुछ आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा कि क्या है कैसे क्या है क्या मॉडर्न हिस्ट्री है क्या एंशियंट हिस्ट्री है बहुत ज्यादा आइडिया उनको कुछ आइडिया नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि यस yes, ऐसे लोगों के लिए जो कोचिंग संस्थान है वो रियली really हेल्पफुल है वो उनको छह महीने या साल भर या डेढ़ साल

एज मिनिमम एज 22 ईयर होनी चाहिए तब जाके आपको बी एस या अदर सर्विसेज मिलेंगे कुछ सर्विसेज हैं एक्सेप्शनल टाइप जिसके लिए 20 ईयर ऑफ एज रखा गया है कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकलती है उस दिन आपका एज 20 ईयर होनी चाहिए लाइक बी पी एस बिहार पुलिस सर्विस है लियो है लेबर इन्फोर्समेंट वाला उसका बाद एक्साइज का जो इंस्पेक्टर का पोस्ट आता था तो वो भी था कि हाँ आपका 20 ईयर से ज़्यादा एज है 22 टू ईयर से कम भी है तो भी आपको ले लिया जाता था तो तीन चार पोस्ट है जो अंडर एज के लिए रखा गया है और बाकी जो पोस्ट है वो 22 टू ईयर एज के लिए रखा गया है और द थिंग इज़ कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस समय आप ग्रेजुएट होनी चाहिए ग्रेजुएसन का मार्क्शीट आपके पास होना चाहिए वो एक इम्पॉर्टेंट है आ, मैं जो एक्सपेरेंट जो भी एक्पेरेंट मुझे देखे या मैं उन लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ सी जब हम कंपटीशन में रहते हैं तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती रहती है कि यार बहुत बार मतलब कॉमन है कि लोगों को लगता है यार मैं डिजर्व भी करता हूँ या नहीं ये तो बड़ा अजीब सा एग्जाम है काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये है वो है लोग तो काफ़ी स्मार्ट मतलब जो क्वालिफाई कर रहे हैं काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऐसे सी द थिंग इज़ की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं दैट इज़ फाइन लेकिन यहाँ पे जो कॉमन जो नॉर्मल लोग हैं जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जो ऑर्डिनरी एक्सपेरेंट है मुझे लगता है कि उनके लिए भी काफ़ी स्पेस है और काफ़ी सेलेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोग मेन अगर आप लेबर कर रहे हैं अगर आपके पास एग्ज़ाम का एक कैलकुलेशन है और अगर आपकी अप्रोच सही है अगर ये दो तीन चीज़ें हैं और पेशेंटली आप काम कर रहे हैं तो सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इसमें कोई कुछ भी नहीं है कि नहीं नहीं हो सकता है बी ए बी या बी ए यू अगर आपके पास स्ट्रेटजी है आपके पास पेशेंस है और आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझ सकते हैं तो हो सकता है आप एक बार नहीं दो बार में समझ जाइएगा समझ सकते हैं नोट्स बनाइए उसका रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए आप क्वालिफाई करने लग जाइएगा तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट जस्ट लेबर एंड डायरेक्शन और पेशेंस कॉन्फिडेंस रखिए कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मुझे लगती है कि जरूरत नहीं है आप ऑर्डिनरी हैं वेल इनफ यू कैन डू इट यू विल डू इट अगर आप लगे हुए हैं तो थैंक यू